आज मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे संतों की जमात की जो ना तो किसी धर्म को मानते हैं ना किसी देश को अपना कहते हैं। ये हैं बाउल संत, जिनकी परंपरा संस्कृत के बाउल शब्द से उपजी है, जिसका अर्थ है पागल या वायु से प्रभावित। बाउल का अस्तित्व एक सरल मानव के रूप में है, जिसकी विद्रोही प्रवृत्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। बाउल किसी के नहीं होते, वह केवल स्वयं के होते हैं। उनका जीवन एक ऐसी जगह में व्यतीत होता है जिसे कोई भी देश या धर्म अपना नहीं कह सकता। उनका विद्रोह जेन मास्टर्स के विद्रोह से भी गहरा है, क्योंकि वह कम से कम बौद्ध धर्म के अनुयायी तो हैं, लेकिन बाउल के पास तो ना कोई शास्त्र है ना ही कोई मंदिर या मस्जिद। एक बाउल के पास केवल उसका संगीत होता है, एक एक तारा और एक छोटा ढोल। संगीत उनका धर्म है, नृत्य उनकी पूजा। वह भगवान शब्द का इस्तेमाल तक नहीं करते। उनके लिए भगवान है आधार मानुष, यानी मूल मानव। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक आवश्यक सत्ता होती है और उसे खोजना ही उनकी साधना है। कभी किसी बाउल को गाते हुए अनुभव करना, उसकी पागल भक्ति और श्रद्धा देखना, देखना उसकी मस्ती, उसकी चाल, उसके एक तारे का संगीत, उसके मृदंग की थाप। वो हर ढंग से उस प्रभु को पुकारता है पूरा मस्त मलंग होकर। इन्हीं को हमने रमता जोगी कहा। ये है जिन्होंने प्रेम का प्याला पी लिया, और जब तुम इतना हृदय से उसको बुलाते हो तो प्रभु आते हैं। वो सदा आए हैं, हमारे बुलाने में ही कमी है। जब भी पूरे हृदय से उनको याद करोगे तो वो प्रकट हो जाएंगे। प्रणाम।